हाँ जी, मेरे वालों सारू सत श्रीकाल। अज मैं आप को बेसन वाला, बेसन का पनीर वाला आमलेट बना के दिखाऊंगी। आ देखो, सबसे पहले हमने एक कटोरी में दो पीस पनीर के लेने हैं। ये पनीर है, हमने घर में बनाया है, ये पनीर है, इसको छोटा छोटा काटेंगे। एक कौली आटे की, एक कौली आटे की और एक कौली बेसन की। बेसन थोड़ा ज़्यादा है, आटा थोड़ा सा कम लेना है। और जो धनिया है, हरा धनिया हम काटेंगे, एक छोटा सा प्याज, हरी मिर्च, नमक, जे लाल मिर्च, जे काली मिर्च, ये अजवाइन और ये है हमारा आमचूर। और ये बेकिंग पाउडर है, ये भी हम एक चम्मच इसमें डाल लेंगे बेकिंग पाउडर। इसको हमने छोटा छोटा इसको काट लेना है, इसको काट लेना है, धनिए को, प्याज को, हरी मिर्च को काट के सब उसको मिक्स करके हम आपको बना के दिखाएंगे। ये हमने सबसे पहले बेसन है, एक कटोरी बेसन की ली है हमने। ये इसको हमने अब बाउल में डाल देना है, हमने सारे मसाले मिक्स कर देने हैं, ये देखो। इसके बाद हमने एक छोटी कटोरी आटा, इससे कम लेना है, थोड़ा बेसन से कम आटा लेना है, ये डाल देना है। और ये हमने चीज़ पनीर छोटा छोटा काटा है, ये भी इसमें डालना है। इससे जो हमारा जो है आमलेट है बहुत ही करारा और टेस्टी बनता है। ये भी इसको इसमें हमने डाल देना है, पनीर, ये पनीर हमने डाल दिया। इसके बाद हमने हरा धनिया, छोटा छोटा हरा धनिया काट लिया था, वो डाल देना है, हरा धनिया डाल देना। उसके बाद हमने एक प्याज छोटा सा और एक हरी मिर्च, इसको हमने भी इसमें डाल देना है, ये हमने डाल दिया इसको। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये देखो हमने इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमने इसमें जो आमचूर है ये डालना है, एक चम्मच छोटा चम्मच आमचूर का डाल देना है। इससे जो हमारे जो हमारा आमलेट है ना, वो अच्छा टेस्टी बनता है। और एक चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डालना है, एक चम्मच बेकिंग पाउडर। इससे जो हमारा आमलेट है वो बहुत ही फूल जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। आधी चम्मच अजवाइन, अजवाइन डालनी आधी चम्मच। और काली मिर्च, जो हमने काली मिर्च का, एक चम्मच काली मिर्च का डाल देना है, इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है और हमारा आमलेट बहुत करारा बनता है। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च डालनी है, क्योंकि हमने एक हरी मिर्च डाल दी थी और हमने लाल मिर्च भी डालनी है, इससे इसका और भी टेस्ट अच्छा बन जाता है। उसके बाद हमने नमक एक चम्मच नमक डाल देना है। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ये हमने इसको मिक्स कर लिया, सारा कुछ डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब हम इसको अब पकाएंगे और बहुत ही टेस्टी। ये देखो हमने पानी है, पानी इसमें डालना है, धीरे धीरे पानी डाल देना है। और पानी जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो जो पानी है फिर हमने इसमें और डाल देना है। ये इसके इसमें अच्छी तरह से इसको ना हमने फेंट लेना है, फेंटने से इसमें जो गोली है ना वो नहीं बनेगी। और इसको हम पानी अच्छी तरह से पानी और डाल देंगे, ये देखो पानी हमने डाल देना। इसको हमने पतला सा बनाना है, जैसे ये हम पंजाबी में कहते हैं पूड़ा बनाना, बेसन का पूड़ा, पूड़ा पतला सा हम इसको फेंटेंगे अच्छी तरह से, तो पतला सा इसका मिक्सचर जो है बहुत पतला बनाना है, क्योंकि इसको हमने तवे पर बना लेना है, फ्राई पैन में बना लेना है। और इसमें पानी जो है हमने पूरा डाल देना, एक कप पानी डाल देना, डाल के हमने इसको अच्छी तरह से फेंट कर देना, फेंट लेना। अगर हमें पानी की और ज़रूरत पड़ेगी पहले फेंट लेना है, थोड़ा सा पतला रखना है इसको, अच्छी तरह से हमने फेंटते जाना है, 10-15 मिनट तक हमने इसको फेंट लेना है।
जी ये हमारा हमने फ्राई पैन गैस ऑन करके ऊपर हमने ये फ्राई पैन रख दिया है। और ये हमारा मिक्सचर जो था ना हमने बनाया था बेसन का पनीर डाल के, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसका आमलेट बनाएंगे, पुआ जिसको पुआ बेसन का पुआ भी कहते हैं, उसमें हमने सब कुछ मिक्स कर दिया। अब हमने इसमें रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देने हैं। देखो रिफाइंड ऑयल डाल के उसके ऊपर हमने इसको बेसन के मिक्सचर को आमलेट को तैयार कर देना है। ये आँच जो है हमने देखो इसको घी डाल के इसको हमने ये डाल देना है। अब आराम से इसको हम मिक्सचर को ये हमारा जो आमलेट का आमलेट बनाना है हमने बेसन का आमलेट ये हमारा तैयार हो जाएगा। आराम से इसको हमने गोल गोल घुमा देना है, जितना छोटा बनाना छोटा बना सकते हैं आप, बड़ा बनाना बड़ा बना सकते हैं, जैसे मर्जी घुमा लो इसको। अब इसको हमने ये देखो ये हमने इसके इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाला था वो भी हमने इसको गैस को थोड़ा सा सिम रखना है, ज़्यादा नहीं करना, हमने गैस को सिम में रखना है। ये पक अच्छी तरह से आराम से पक जाए, अंदर से कच्चा ना रह जाए। ये देखो इसको हमने अब पलटे से हौली हौली आराम से हिला देना है। अभी इसको बन रहा है हमारा, देखो हमारा पूरा जो है आमलेट है जो तैयार हो गया। हमने इसको फोल्ड कर देना है, ये देखो आमलेट का हमने इसको तैयार करने में, ये देखो ये हमारा आमलेट का पूरा ये तैयार हो गया। इसको हमने धीमी आंच से पकाना है, धीमी आंच रखनी है और आराम से इसने पक जाना है। और ये हमारा जो बिल्कुल बेसन का आमलेट ऐसे ही बनेगा। ये हमने इसको पलटे से ये देखो हमारा जो बन रहा है ये आमलेट, देखो इसको हमने थोड़ा सा और घी आगे पीछे लगा देना है। ये देखो रिफाइंड इसको अच्छी तरह से पकने के लिए, वैसे तो पक जाता है ऐसे ही और टेस्टी नहीं लगता, क्रिस्पी नहीं लगता, तो हमने इसको अच्छी तरह से बना देना है। ये देखो ये हमारा आमलेट बेसन का आमलेट बिल्कुल बन के तैयार हो गया। हम इसको अब एक प्लेट में डालेंगे तो काट के दिखाएंगे, ये बिल्कुल रेडी है। इसकी जो हमने गैस को हमने कम कर देना है, गैस को हमने थोड़ा कम करके इसको एक दो बारी पलटा देना है। ये देखो ये आमलेट बन गया। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे और इसको अपने गैस को हमने बंद कर देना है, फिर दूसरा बनाएंगे। हमने ये देखो हम ये हमारा जो है आमलेट बिल्कुल रेडी बन गया है। ये इसको हम काट के भी दिखाएंगे, ऐसे फूल जाएगा ऐसे, देखो ये क्रिस्पी बिल्कुल क्रिस्पी है। इसको हम खाएंगे सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। जब भी बच्चे बोलते हैं कि हमारे हमें कोई खाना है खस्ता, कुछ खाना है मीट हमें बना के दो, कोई आमलेट बना के दो, हमें समोसा बना के दो, तो हम बच्चों को ये आराम से बना के दे सकते हैं। ये देखो और हमारी जो वीडियो है आपको पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू, ओके, बाय।